गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इसमें हम एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ चुके थे और आज हम आपको बताने वाले हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड हमने पहले बताया था लेकिन आज इसको अलग ढंग से एंड अकॉर्डिंग टू BSL, पहले हमने ACL लिया था। सोलेनॉइड आज का टॉपिक अपना रहेगा सोलेनॉइड। पहले तो आप व्हाट इज सोलेनॉइड इसका आंसर नोट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपन ले रहे हैं सोलेनॉइड, इट इज ए लॉन्ग कॉयल ऑफ एन टर्न्स इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। क्या लिखा भाई? इट इज ए लॉन्ग कॉयल ऑफ एन टर्न्स इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। एन फेरों वाली एक कुंडलनी फॉर्म में कॉयल है, ये स्प्रिंग जैसी फॉर्म है। और या इसको कैसे बनाते हैं? इट इज मेड बाई थिक कॉपर वायर्स वॉन ऑन नॉन कंडक्टर सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक है, याद रह जाएगा कि हमसे पूछे व्हाट इज सोलेनॉइड तो आपको क्या आंसर देना है। इट इज ए लॉन्ग कॉयल ऑफ एन टर्न्स इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। और कैसे बनाते हैं? इट इज मेड बाय थिक कॉपर वायर्स वाइंडिंग ऑन नॉन कंडक्टर सिलेंड्रिकल पाइप। तो देखो इसको किस तरह से, हम इसको अच्छे से समझना भी है अपने को। सोलेनॉइड इस तरह से, ये सिलेंड्रिकल पाइप ये होना चाहिए नॉन कंडक्टर, इस पे हम थिक कॉपर वायर्स लपेट देंगे। थोड़ा सा ऐसे स्टाइल से लपेट दो ताकि ये इस पर लिपटे हुए नजर आए। ये थिक कॉपर वायर्स हुए और इसमें करंट पास कर देंगे। ये हमने करंट पास किया इसमें आई, ठीक है। इसकी लेंथ हमने ली L, L लेंथ ले ली और नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए N। अब देखो हम, ये इसका एक्सिस है, ये कॉयल का एक्सिस हो गया, ठीक है। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो इस पर हम राइट हैंड रूल लेंगे भाई। देखो राइट हैंड रूल अपने पास क्या कहता है, राइट हैंड रूल देखो। राइट हैंड रूल जो है ये है, आपको राइट हैंड को इस तरह से रखना होगा, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स रखेंगे, 90 डिग्री पर थंब रखेंगे। देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, थंब और फिंगर्स को 90 डिग्री पर रख के ये अपन ने राइट हैंड ले लिया भाई। अब ध्यान क्या रखेंगे कि हमेशा जो थंब रहेगा, जो थंब का डायरेक्शन जो रहेगा, ये गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें बी की डायरेक्शन बताएगा। और जो डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स जो रहेगा, ये जो रहेगा ये किस डायरेक्शन में रहना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। देखो इसको ऐसे पकड़ लो, आप राइट हैंड से सोलेनॉइड को पकड़ लेंगे, फिंगर्स का जो कर्वेचर है ये करंट की डायरेक्शन में, देन थंब किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। यदि करंट चेंज कर देते हैं, देखो करंट उल्टा होता है तो फिर
मैग्नेटिक फील्ड उधर हो जाता, तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स यूं आएंगी, इसका मतलब ये इसका क्या है, एन पोल है, तो इधर क्या हो गया, एस पोल हो गया, इधर से लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल रही है। चलो एक तरीका तो ये है, एक और तरीका भी है अपने पास, देखो यहाँ से मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ, ये नॉन कंडक्टर पाइप लिया, अब वायर्स की पोजिशन देखो आप, ये पाइप है तो वायर कैसे लपेटे हुए हैं, देखो यहाँ से अंदर जा रहे हैं या बाहर, अंदर फिर बाहर फिर अंदर, यानी यूँ लपेट रखे हैं कि नहीं, ये करंट चल रहा है इसमें, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ जो पॉइंट्स हैं ये परपेंडिकुलर इनवर्ड हैं, ये पॉइंट्स हैं परपेंडिकुलर इनवर्ड, ये परपेंडिकुलर इनवर्ड है, यहाँ जो है परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, यहाँ परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, ये सिचुएशन हो गई भाई। और हम बात करें इसके एक्सिस की, तो ये इसका एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, इसका मैंने आपको बता रखा था कि इस तरह से किसी हम आर डिस्टेंस पर फाइंड करें मैग्नेटिक फील्ड, तो आप ऐसे थंब रखोगे और स्लाइड कर दोगे, देखो बी, जिसको सरकाना नियम के नाम से बताया था, यदि आपके पास डॉट हो यानी करंट हो, ये डॉट हो और यहाँ हमें फाइंड करना है, तो देखो थंब को बाहर की तरफ लेंगे और परपेंडिकुलर आउटवर्ड कर देंगे, ये अपने पास बी हो गया, ये डायरेक्शन हमने आपको बता रखी है, समझ में आ गई ये बात। इसको वहाँ पे अप्लाई करते हैं, कहाँ पे, यहाँ देखो कि हम किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, मैं इस पॉइंट पर यहाँ देखता हूँ, तो यहाँ देखता हूँ तो देखो इसके कारण, देखो अंगूठा बाहर रखा, परपेंडिकुलर इधर मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण देखो अंगूठा लंब पर करंट की डायरेक्शन में, तो भी इधर आया, इट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया भाई बी, ठीक है। आउटसाइड देखो मैं, देखो यहाँ पे देखूँ तो इसकी स्थिति क्या हुई, देखो इस पॉइंट पर ये, और यहाँ इसकी स्थिति देखो इसके कारण, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो बी वन और बी टू जो है, और ये अप्रोक्सीमेट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि आइडियल सोलेनोइड की बात करें। एक और चीज़ मैं साथ ही आपको बता देता हूँ, इनकी अपने को अब ज़रूरत नहीं है, इनकी अब ज़रूरत नहीं है, ये अपन सीख चुके हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पे आइडियल सोलेनोइड की, आइडियल सोलेनोइड ये आएगा कहीं कहीं, आइडियल सोलेनोइड का मतलब क्या क्या है, नंबर एक, पहली बात तो थिकनेस, थिकनेस ऑफ आइडियल सोलेनोइड, आइडियल सोलेनोइड इज नेग्लिजिबल, इज नेग्लिजिबल compare to its length, compare to its length, एक बात तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। थिकनेस ऑफ आइडियल सोलेनोइड, क्योंकि जो आइडियल जिसको बोलेंगे वो कैसी, इनफाइनाइट लेंथ की, तो उसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मानेंगे, इसलिए बी वन और बी टू, जब ये लेंथ ही नहीं रहेगी तो डिस्टेंस लगभग सिमिलर, तो अप्रोक्सीमेट बाहर क्या हो जाएगा, जीरो, और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा अपने पास बी कैसा, यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट, जबकि आउटसाइड कैसा रहेगा, जीरो। तो सेकेंड पॉइंट आप देखना, सेकेंड पॉइंट जो हम ले रहे हैं कि बी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी और इसके एक्सिस के अलोंग रहेगी। थर्ड, आउटसाइड ऑफ सोलेनोइड, आउटसाइड ऑफ सोलेनोइड नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, इसके जीरो रहेगा। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड आर इक्वल इन ईच पार्ट, इक्वल इन ईच पार्ट
ऑफ आइडियल सोलेनोइड, मतलब किसी भी पार्ट में देखेंगे, जैसे इस 1 सेंटीमीटर में 10 है तो अगले 1 सेंटीमीटर में 10 आएंगे, उससे अगले 1 सेंटीमीटर में भी कैसे आएंगे, 10 टर्न्स ही आएंगे, हमेशा सेम रहेंगे। और एन क्या लिखेंगे, एन बाई एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये अपन ने आइडियल सोलेनोइड की बातें की हैं, ये अपन ने बात की किसकी की है, आइडियल सोलेनोइड की, नोट कर लोगे अच्छे से। और अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी हम फाइंड कर रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड। देखो इसके लिए अपन क्या काम करें, अब ये आपने नोट कर लिए होंगे, मैं इनको तो हटा देता हूँ, ये सब आपने नोट कर लिए होंगे, ओके खाली कर ले बोर्ड को, कर लेते हैं है ना। और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं अपन, इधर देखो। अब जब अपने को इसका मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो अब मैं वापस क्या काम कर रहा हूँ, देखो ये सोलेनोइड ले रहा हूँ, ये सोलेनोइड लिया अपन ने, ये तो ठीक है सेप सिलेंड्रिकल पाइप पर बनाते हैं, हेलिक्स फॉर्म में होती है, और ये हो गया इसका एक्सिस, ये हो गया अपने पास एक्सिस। अब मैं कोई पॉइंट ले हूँ यहाँ पे कि मुझे इसका मिडल पॉइंट, लॉन्ग स्ट्रेट है तो जो भी पॉइंट लेंगे वो मिडल पॉइंट ही होगा, यहाँ अपने को फाइंड करना है। थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ मैं बड़ा, है ना, एक मिनट, थोड़ा साफ दिखाई देगा और मजा आएगा। देखो ये ले लिया हमने सोलेनोइड, ये सोलेनोइड लिया भाई, ठीक है, और ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, ये हो गया एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। हमें इसके मिडल पॉइंट P पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम देखो क्या काम कर रहे हैं, हमने निकाल लिया था कोयल के मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कोयल एट द एक्सिस ऑफ कोयल और एट द सेंटर ऑफ कोयल, दो फॉर्मूले निकाले थे। तो यहाँ देखो मैं एक छोटा सा स्मॉल पार्ट यहाँ से मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक स्मॉल पार्ट कट किया, ये स्मॉल पार्ट कट किया भाई यहाँ से dx, ये स्मॉल पार्ट मैंने लिया dx है ना, और इसकी थिकनेस जो भी है ये इसकी थिकनेस है। तो ये इस तरह से यहां जो ये पार्ट बना ये कैसा बना, सर्कुलर पार्ट बना, ठीक है, सर्कुलर पार्ट। ये किसके इक्वल रहेगा, इसकी रेडियस के इक्वल रहेगा, इसकी रेडियस के इक्वल रहेगा ये आर, जो सोलेनोइड की रेडियस रहेगी, ठीक है। अब देखो इस पार्ट से, इसके सेंटर से अपन ये कॉइल का सेंटर ले लिया, यहाँ से ये जो डिस्टेंस यहाँ तक की है इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया एक्स, ये डिस्टेंस क्या ले ली भाई, मैंने एक्स ले ली। तो ये जो पॉइंट आया यहाँ पे, ये जो पॉइंट आ रहा है अपने पास, ये पॉइंट ये कहाँ हो गया, इस कोयल के एक्सिस पर हो गया कि नहीं। देखो ये वही फॉर्मूला हो गया कि इस तरह से हम कोयल लेते थे, या मैं फाइंड करना था ये डिस्टेंस आर थी, या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था ये डिस्टेंस एक्स, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया था, म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस लिया था और ये आया था अपने पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से निकाला था अग्नि। तो अब वही फॉर्मूला, ये तो वही कॉइल बन गई ना, तो मैं इस कॉइल पर वही फॉर्मूला निकाल सकता हूँ कि देखो किस तरह से मेरे पास जो आया, देखो ये डिस्टेंस ले लूँगा मैं, और ये इस वर्टिकल के साथ कोई एंगल ले लिया मैंने फाई, ठीक है, यहाँ पर मुझे फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां जब मैं फाइंड कर रहा हूं तो देखो ये फॉर्मूला काम में लेऊंगा मैं, ये फॉर्मूला लिया मैंने B इक्वल टू स्मॉल पार्ट है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं dB, म्यू नोट n की जगह मैं लिख रहा हूं dN I R स्क्वायर अपॉन टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर 3/2, क्लियर, सब वही चीज़ आ गई कि नहीं, बिल्कुल एज इट ये कोयल की तरह हमने फॉर्मूला ले लिया। अब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला, इसको आगे बढ़ाते हैं कि हम dN लिया तो यहाँ मुझे पता है क्योंकि dN जो है ये क्या है,
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना लिया है n, इसकी लेंथ कितनी है भाई dx, तो इसमें मैंने क्या ले लिया dx, समझ गए। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो कितने थे n, इस पार्ट में कितने थे dn, इसलिए मैंने dn लिया। पर यूनिट लेंथ n और dx में कितने थे, हमने क्या कर लिया n dx, ठीक है। अब मैं बात करूं, देखो ये जो डिस्टेंस मुझे मिली है कितनी है भाई x है, और ये कितना है r के इक्वल है। यहां से मुझे अब इसको x में बदलना है, dn को भी हटाना होगा और मुझे x को भी हटाना होगा, क्योंकि मुझे तो जीरो से कहां तक लेना है l तक लेना है टोटल लेंथ के लिए। तो यहां से देखो tan phi मैं ले हूं, तो tan phi इक्वल टू देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन r, और यहां से x इक्वल टू आ गया r tan phi, x इक्वल टू आ गया r tan phi, और मैं यहां पे d अपॉन d थीटा कर दूं, देखो इधर भी मैं d अपॉन d थीटा कर दूं, तो मेरे पास देखो ये क्या आया dx इक्वल टू d अपॉन d थीटा, इसका क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा, ये d थीटा था मैं यहां ले आया, ठीक है। dx इक्वल टू क्या आ गया भाई r sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा का d अपॉन d थीटा करते हैं तो क्या हो जाता है sec स्क्वायर थीटा। तो अब मेरे पास देखो x का भी वैल्यू है, dx का भी वैल्यू है और dn का, ये तीनों इस फॉर्मूले में रख रहा हूं मैं, यहां देखना भाई db इक्वल टू इसी फॉर्मूले में रख रहे हैं इक्वल टू म्यू, dn की जगह लिखा मैंने n dx i r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3 बाई 2। और अब देखो x dn की वैल्यू लिख दी, x और dx की वैल्यू भी लिख दो, देखो dp इक्वल टू म्यू नोट n i, म्यू नोट n i क्या था, म्यू नोट n i r स्क्वायर, तो मैं n i r स्क्वायर, देखो ये तो म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर एज इट लिखा। dx की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये मैंने लिखा r r tan थीटा, ये लिख दिया मैंने r tan थीटा। यहां पे देखो 2 r स्क्वायर और x स्क्वायर की वैल्यू, एक मिनट यहां ध्यान देना भाई, यहां पे ध्यान देना किस पे, देखो म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर और dx इक्वल टू dx का वैल्यू, ये लिखो dx का वैल्यू, लिखो यहां से dx का वैल्यू है r sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, ये मैंने किसका वैल्यू पुट कर दिया भाई, ध्यान देना ये मैंने dx का वैल्यू पुट कर दिया, कहां से यहां से dx का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। और अब मैं x का वैल्यू यहां से पुट करूंगा, देखो अब x का वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्या लिख दूं r स्क्वायर tan स्क्वायर phi, ये मैंने और ये 3 बाई 2 ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी मैंने x की और इसकी। अब देखो मेरे पास जो रहा वो db इक्वल टू म्यू नोट n i r क्यूब sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे ध्यान देना 2 r क्यूब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पावर हो गया 3 बाई 2, ये हो गया अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 3 बाई 2। आर स्क्वायर को यहां से कॉमन लिया तो r स्क्वायर की पावर कितनी थी 3 बाई 2 थी, 3 बाई 2 अपन ने यहां से लिया, तो देखो db जो अपने पास बचा, अब देखो इसकी वैल्यू देखते जाओ आप, db इक्वल टू मैंने क्या काम किया, देखो भाई ये जो r ऊपर जो था अपने पास क्या था r स्क्वायर, ऊपर अपने पास क्या था यहां r स्क्वायर इंटू क्या हो गया था r क्यूब, तो मैंने ये देखो यहां से r क्यूब से अपने पास r क्यूब चला गया, क्या बचा म्यू नोट n i अपॉन 2, ठीक है। यहां क्या बचा भाई sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर phi इंटू d phi, और यहां पे देखो 1 प्लस ये हो गया sec क्यूब phi, तो यहां भी आप ध्यान देना, देखो ये हमारे पास क्या हो गया ये स्क्वायर को मैंने यहां से कट किया, तो db इक्वल टू मेरे पास जो फॉर्मूला आया म्यू नोट एन आई अपॉन 2,
वन अपॉन sec फाई को मैंने लिखा cos फाई इंटू डी फाई. देखो sec स्क्वायर वन अपॉन sec फाई को क्या लिख दिया, cos फाई अपॉन डी फाई. अब वापस वहां जाओ अपने डायग्राम पर कि हमें देखो फर्स्ट एंड से लास्ट एंड तक निकालना था मैग्नेटिक फील्ड. तो देखो एंगल फ्रॉम फर्स्ट एंड, एंगल फ्रॉम फर्स्ट एंड, देखो यहां से ऑब्जर्वेशन पॉइंट यह है फर्स्ट एंड. हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे, ये फर्स्ट एंड से. और कहां तक जाना है हमें, लास्ट एंड तक. तो देखो अब जो फर्स्ट एंड से लास्ट एंड तक जो हमारे पास एंगल आ रहा है, देखो एंगल कहां से लेंगे भाई, एंगल जो अब लेने वाले हैं हम, ये देखो कहां से ले रहे हैं, यहां से एंगल लेंगे इसकी वर्टिकल से. और इधर का जो एंगल आ रहा है अपने पास, इधर का जो एंगल आ रहा है ये देखो क्या आ रहा है, ये माइनस थीटा, इसको मैं ले रहा हूं माइनस थीटा वन. और फिर देखो लास्ट एंड का जो ये एंगल आ रहा है ये अपन ने क्या लिया, थीटा टू, या फाई वन फाई टू ले लो एक ही बात है, ये मैंने ले लिया फाई टू. समझ में आ रहा है क्या भाई. देखो यहां से मैं वापस आपको बता देता हूं एक बार क्लियर करके. देखो क्या काम किया अपन ने कि मैंने फर्स्ट एंड से और लास्ट एंड तक एंगल लेने थे, ठीक है. तो फर्स्ट एंड का एंगल देखो यहां से लेंगे और ये एंगल बना, ये मैंने लिया फाई वन, और यहां से ये एंगल लिया फाई टू. तो मुझे देखो यहां इस साइड से यानी माइनस फाई वन से कहां जाना होगा, प्लस फाई टू. यू इधर जैसे एक्स लेते हैं ना, तो माइनस एक्स से प्लस एक्स, तो माइनस फाई वन से फाई टू, इस एंड से इस एंड तक. ये एंड यहां पे बना रहा है फाई टू, ये बना रहा है फाई वन. तो अब देखो आपको इंटीग्रेशन यहां पर आ जाओ. अब मुझे बी बी निकालना है, मुझे यहां से बी निकालना है. तो देखो अपने पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है बी इक्वल टू, बी इक्वल टू मेरे पास आया म्यू नोट एन आई अपॉन टू, और कोस फाई डी फाई का करूंगा माइनस फाई वन से फाई टू तक कोस फाई इंटू डी फाई. क्लियर. तो बी इक्वल टू मेरे पास रिलेशन आया म्यू नोट एन आई अपॉन टू, और कोस फाई का हो गया साइन फाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस. तो बी इक्वल टू अपने पास आ गया म्यू नोट एन आई अपॉन टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, माइनस माइनस ये हो गया प्लस. और ये फाइनल फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे मिल गया अपने को. क्लियर. ये फॉर्मूला में सोलेनोइड का जो कंप्लीट फॉर्मूला है, म्यू नोट एन आई नहीं, म्यू नोट एन आई अपॉन टू साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, आप आराम से इसको वापस देख सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको. ये सिंपल सा एक डेरिवेशन अपन ने लिया है, और कहाँ से लिया, इसको कॉयल मान लिया, और कॉयल मानना है एक छोटा सा, और बस इसमें डी एन एक्स की वैल्यू निकाल के अपन सोल्व कर लाए. और अब देखो अपन कुछ कंडीशंस लेते हैं, इसमें कुछ कंडीशन ले रहे हैं भाई. क्या कंडीशन ले रहे हैं देखो, अब मैं यहां ले रहा हूं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ले रहा हूं फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. तो देखो इनफाइनाइट लेंथ लेता हूं मैं, ये सोलेनॉइड है और लेंथ कैसी है, इनफाइनाइट है. अब देखो जो हम एंगल निकाल रहे थे वो इसके एक्सिस से, यहां से हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया था. तो अब ध्यान देना, देखो यहाँ ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये तो फर्स्ट एंड तो लास्ट तक कहाँ तक जा रहा है, अपन यू ले रहे थे ना फाई वन फाई टू, तो ये तो देखो फाई वन कहाँ हो रहा है, इनफाइनाइट, इधर भी फाई वन. तो अब देखो फाई वन इक्वल टू भी कितना हो गया 90, और फाई टू इक्वल टू भी कितना हो गया 90. फॉर्मूला हमारे पास क्या था, म्यू नोट एन आई अपॉन टू साइन फाई वन, तो मैंने 90 लिखा, प्लस साइन फाई टू, यहाँ भी साइन 90 लिखा, वन और वन कितने हो गए 2, और देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो बी कितना आया म्यू नोट एन आई, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये फॉर्मूला है. तो ये निकालते थे हम एम्पियर सर्किट लॉ से, लेकिन कंप्लीट फॉर्मूला ये है भाई, ठीक है. इसके बाद देखो और दूसरा कंडीशन देखता हूं मैं, केस 2, केस 2 क्या ले रहे हैं भाई, एट एनी वन एंड ऑफ इनफाइनाइट सोलेनॉइड. देखो यहां पे फिर से मैंने ये लिया, लेकिन अब जो है मैं पॉइंट ले लेता हूँ, ये वन एंड नोन है. तो
अब अपने पास ये एक्सिस जो था, ये तो ये एक्सिस हो गया। अब पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, तो देखो इधर वाला जो एंगल फाई वन तो क्या हो गया, जीरो, और फाई टू ये कैसी है, इनफाइनाइट, ये कैसा हो गया भाई, 90। तो मेरे पास फाई टू इक्वल टू 90 मिला, मैंने फॉर्मूले में अप्लाई किया इसको, बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन टू साइन फाई वन, तो मैंने जीरो लिखा और साइन 90 फाई टू की वैल्यू लिख दी, जीरो प्लस वन, और बी एट एंड्स इक्वल टू हो गया म्यू नोट एन आई अपॉन टू, ये अपने पास एंड्स पर हो गया। और इसके बेसिस पर अपन एक इसका ग्राफ स्टडी कर सकते हैं। देखो भाई बी वर्सेस अपन लेंथ लें इसकी, तो देखो क्या काम कर रहे हैं, सोलेनोइड के लिए अपन बनाएंगे, ये तो हमने सोलेनोइड का ले लिया भाई मिडल पॉइंट है ना, ये यहां तक सोलेनोइड का मान लेते हैं, लेंथ कितना है अपने पास, एल लेंथ है। तो देखो इसके एंड तक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म, यहां इनसाइड हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन जब एंड्स पर जाएंगे तो हमने कितना देखा कि यहां पे घट के कितना हो गया भाई, हाँ यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड था ये था म्यू नोट एन आई, और यहां एंड्स पर जाके म्यू नोट एन आई अपॉन कितना हो गया, टू, एंड्स पर कितना हो गया भाई, म्यू नोट एन आई अपॉन टू, इस तरह से। तो आप कंप्लीट फॉर्मूला ये रखेंगे और इससे हमें ग्राफ भी समझ में आएगा और सोलेनोइड भी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था अपना सोलेनोइड, अच्छे से आप नोट कर सकते हैं इसको, पढ़ भी सकते हैं, क्लियर, आप नोट कर लेना इसको आराम से और पढ़ते रहिए। इसके बाद अपन आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं, क्योंकि अब शुरू होगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जो हम कल वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। पहले इनको अच्छे से तैयार कर लो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लो, और फिर हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इसी चैप्टर का नेक्स्ट अपन मैग्नेटिक फोर्स। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।